हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और पालक की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है और गैस को मैं ऑन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बन जाती है ये आलू पालक की सब्ज़ी। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे इसमें, तेल को हम गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पे हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल हमारे यहाँ गरम हो गया है हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 लहसुन के जार। तो हम इसको यहाँ पे लहसुन को थोड़ा जलने देंगे, यानी कि थोड़ा रेडिश कर लेंगे। इसको इस तरह से हम मिलाएंगे। यहाँ डालेंगे हम 2 सूखी मिर्च। इसको अच्छे से आप थोड़ा सा रेडिश होने दें। बहुत ही टेस्टी बनता है ये आलू पालक की सब्ज़ी और बहुत ही जल्दी बनता है। अगर आपको कुछ सब्ज़ी बनाना है आलू और पालक के साथ तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मैं डालूँगी यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च। यहाँ पे हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं, तो सिर्फ हरी मिर्च का ही बनाएंगे। तो थोड़ा स्पाइसेस अपने हिसाब से आप रखें। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर लें। तो इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करें। तो यहाँ पर हम जो प्याज है उसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो गया है, चलिए देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस अब हम इसमें डालेंगे आलू और पालक। आलू और पालक को मैंने अच्छे से काट लिया है, मैंने क्यूब में आलू काट लिया है और बारीकी से मैंने प्याज काट लिया है और अच्छे से वॉश करके मैंने पहले ही स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। तो अब हम इसमें आलू और पालक ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप क्वांटिटी आप अपना जो भी आलू पालक आप जितना भी काटते हैं उस हिसाब से हम इस डालेंगे कढ़ाई में। क्वांटिटी पालक की काफ़ी ज़्यादा दिखती है लेकिन जब वो गल जाती है तो बहुत ही थोड़ा हो जाता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 आलू डाले हैं, ज़्यादा मैंने आलू की क्वांटिटी नहीं ली है क्योंकि पालक दिखने में तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है लेकिन जब वो पकेगा और गल के बहुत ही थोड़ा हो जाता है वो, तो इसलिए हम पालक की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं। तो इस तरह से हम पालक को डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच भर का नमक, क्योंकि पालक हमारा खुद ही सॉल्टी होता है, थोड़ा सा खारा होता है। तो आप नमक देख कर डालें, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ही डालें, बाद में आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिला लेते हैं धीरे धीरे, ताकि जो भी नमक है वो थोड़ा सा इधर उधर मिल जाए। इसको हम बस हल्का सा मिलाएंगे और ढक देंगे, जब पानी छोड़ेगा तब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है, चलिए ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी पालक अच्छे से छोड़ दिया है हमने, जो थोड़ा सा नमक डाला था। बस 2 मिनट में ही जो पालक का क्वांटिटी है कितना कम हो गया है आप देख सकते हैं। अब इसको हम और थोड़ा गलाएंगे। तो इसको अच्छे से इस तरह से मिला लें और ढक दें। तो जब तक हमारा पालक की सब्ज़ी बन रही है, चलिए हम कर लेते हैं रोटी की तैयारी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा आटा ले लिया है और हम इसको आप अच्छे से गूंदेंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप गूंदें,
मैं यहाँ पे नमक नहीं डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंदें। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी, उतनी नरम, उतनी अच्छे से फूलेगी भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद रही हूँ। तो इस तरह से मैं आटे को गूंदूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आटे को कितने नरम गूंद रहा है। इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे छोड़ देंगे, फिर गूंदेंगे। इससे क्या होता है, पानी अच्छे से अब्जर्व हो जाता है आटे में और नरम हो जाती है रोटी, और आटा भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम आटे को गूंद लेंगे। फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही गूंदें। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे आटे के पेड़े बना दूंगी। जितना आपको रोटी चाहिए, आप बड़ा अगर चाहते हैं तो रोटी अगर बड़ा लुया ले लें, तो अगर छोटा चाहिए तो छोटा ले लें। तो चलिए यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। हमारा 5 मिनट्स हो चुका है और तेल दिखने लगा है, पानी सूख गया है पालक का। तो इस तरह से हम पालक और आलू को अच्छे से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी लग रही है सब्ज़ी। पानी सूख गया है और तेल दिखने लगा है, मतलब आपके पालक और आलू की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। चलिए तब तक हम यहाँ पर रख लेते हैं तावा रोटी के लिए। गैस को हम ऑन कर देंगे, तावा को हम गर्म होने देंगे। तावा यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पे रोटी इस तरह से डाल दी है। अब इसको हम दो तरफ अच्छे से सेकेंगे। तो फर्स्ट टर्न हम लेंगे थोड़ा सा लाइट, जैसे कलर चेंज हो जाता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्न लेंगे और इसको हम थोड़ा सा पलटते हुए देख रहे हैं आप कलर कैसे चेंज हो गया है रोटी का। अब हम इसको इस तरह से डायरेक्टली चिमटे के हेल्प से दो तरफ फुला लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे आलू पालक की सब्ज़ी और रोटी तैयार हो गई। अब सो गर्मा गर्म अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।